नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबर। बुलडोजर के खिलाफ सपा का फूटा गुस्सा, समाजवादी पार्टी का विशाल धरना और प्रदर्शन, कानपुर के अहिरवा चकेरी में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ समाजवादी लोहिया वाहिनी कानपुर ग्रामीण के नी जिलाध्यक्ष विजय सिंह के नेतृत्व में विशाल धरने का आयोजन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। गरीबों असहाय के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी से प्रदेश की जनता बेहाल है। सरकार द्वारा जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनका पेपर लीक आउट पहले कर दिया जाता है। कई परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं। सरकार ने यदि बेरोजगारों को रोजगार देने और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जल्द ही कोई ठोस रणनीति न बनाई तो प्रदेश की जनता सड़कों पर संघर्ष करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नी जिलाध्यक्ष विजय सिंह, पूर्व प्रत्याशी महाराजपुर फतेह बहादुर सिंह गिल, पूर्व प्रत्याशी राम सिंह यादव, मंजीत यादव नी प्रदेश सचिव स्यूस, चेतन चौहान पूर्व पार्षद, दीपक खोटे, राजकुमार गौतम, वीरेंद्र त्रिपाठी, सदा बालम, रमेश कुशवाहा, अजमेरी सिद्दकी आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से संवाददाता दिलीप कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.